हेलो स्टूडेंट, मैं कुशल शर्मा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। आज हम 10th क्लास के थर्ड चैप्टर, जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, की सेकंड एक्सरसाइज को करने वाले हैं। ठीक है, इसका जो इंट्रोडक्शन है वो हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, 3.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। हमें दो स्टेटमेंट दी गई हैं, उनको सबसे पहले तो हमें लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है एंड देन फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ओके, हमें ग्राफिकली वो सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट क्या है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। यानी कि टोटल 10 स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लिया। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, कि नंबर ऑफ बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं, अगर बॉयज़ 3 हैं तो गर्ल्स 3 + 4 यानी कि 7 होंगी। तो 3 और 7 टोटल मिलकर 10 स्टूडेंट भी हो गए। तो फिलहाल हमें इस पूरी इन्फॉर्मेशन को एक पेयर में, लीनियर इक्वेशन के जो पेयर है उसमें कन्वर्ट करके दिखाना है। अब निकालना कैसे है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड द गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम उनके क्वांटिटीज जो है उनको ही लेट करते हैं। लेट द नंबर ऑफ बॉयज को एक्स मान ले एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स को वाई मान लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देखिए, पहली ही लाइन में हमें क्या गिवन है कि भाई टोटल 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, तो जितने बॉयज़ हैं और जितने गर्ल्स हैं सभी को कंबाइन करें, कंबाइन मतलब ऐड कर लिया, तो टोटल कितना बनना चाहिए, 10 बनना चाहिए। ठीक है, अब दूसरी सिचुएशन क्या दे रखी है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स यानी कि वाई इज़ मतलब इक्वल, आपको लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन के टाइम भी बताया था है ना कि स्टेटमेंट से इक्वेशन कैसे बनाएं, बड़े ध्यान से, इज़ एम आर वाज वर विल सेल, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल के साइन को रिप्रेजेंट करते हैं। सो नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन, तो ये मोर देन जो होता है वो ऐड होता है, तो 4 जुड़ रहा है किसी में, ठीक है, ऐड हो रहा है, 4 किस में ऐड हो रहा है, नंबर ऑफ बॉयज़ में। तो देखो हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये अपनी क्या बन गई, दूसरी इक्वेशन, ये फर्स्ट है और ये सेकंड इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब ये तो होगी हमारा फॉर्म रिप्रेजेंटेशन, पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। तो ग्राफिकली इनको ड्रॉ भी करना पड़ेगा और ड्रॉ करने के लिए इनकी टेबल तैयार करनी पड़ेगी। पहले इक्वेशन की हेल्प ले लेते हैं। फ्रॉम वन हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं दूसरे की फॉर्म में। अब एक एक करके यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। मान लीजिए मैं वाई की वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो एक्स कितना रिजल्ट आ रहा है, 6 के इक्वल आ रहा है। मैं वाई की वैल्यू यहाँ पर इस पर 6 रख देता हूँ, एक्स किसके इक्वल रिजल्ट दे रहा है, हमारे पास 4 के इक्वल रिजल्ट दे रहा है। तो यहाँ से एक टेबल जो है वो क्या तैयार हो रही है, ऐसे बना लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट लाइन से एक्स और वाई की क्या वैल्यूज आ रही हैं, 6 एंड 4, एंड सेकंड से 4 एंड 6। ओके, दूसरी इक्वेशन को हम यहाँ लेकर चल पड़ते हैं। फ्रॉम टू से हम हेल्प लेते हैं। टू ऑलरेडी जो है वो पहले से ही एक वेरिएबल दूसरे में कन्वर्टेड है। यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लें, एट एक्स इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं। वाई इज इक्वल टू 0 + 4 जो कि किसके इक्वल आ गया, 4 के इक्वल आ गया। एट एक्स इज इक्वल टू 1 कर लेते हैं, 1 + 4 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से हमारे पास
एक टेबल तैयार कर लेते हैं। सो एक्स वाई, फर्स्ट वन से हमारे पास 0.4 आ रहा है, सेकंड 1.5 आ रहा है, ठीक है। अब इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करेंगे हम ग्राफ प्लॉट करने में, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। चलिए यहाँ प्लॉट कर लेते हैं। ओके, रेक इधर बना लेते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। एक्स और वाई की वैसे मैक्सिमम दोनों 6 ही गई हुई हैं और मिनिमम हमारे पास 0 तक ही है। क्लियर। सो फर्स्ट पोर्शन को लें 6, 4। सो पहले हम एक्स के 6 की तरफ चल रहे हैं एंड देन वाई के 4 की तरफ चल रहे हैं। दैट मीन्स कि हमें यहाँ पॉइंट प्लॉट करना है। सो ये आ गया एक पॉइंट, देन 4, 6। सो एक्स की तरफ पहले 4, देन वाई की तरफ 6, एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा। सो एक पॉइंट इधर ले लेते हैं। ओके, देन सेकंड टेबल को यूज़ करें तो 0, 4, 0 तो यहीं रह गया एंड देन वाई की तरफ 4, तो यहाँ पर हमारे पास ये एक पॉइंट आ गया। सेकंड वन 1, 5, 1 एंड देन 5 इधर आ रहा है, ठीक है। दैट मीन्स कि हमें यहाँ पर थोड़ी सी इस टेबल को अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। इसको यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, जो अपना एक पॉइंट आया था 4, 6 का, वो तो प्लॉट कर ही लेते हैं। हमें इस लाइन को थोड़ा सा और आगे तक बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी जो हम पॉइंट प्लॉट कर रहे हैं, जैसे लास्ट पॉइंट क्या था, 1, 5 था, तो 1 एंड 5 यहाँ हम लेकर चलेंगे। सो अब देखिए, इन दोनों पॉइंट्स का यूज़ करके हम एक लाइन तैयार करते हैं। मान लीजिए ऐसी एक लाइन बन रही है और पहले दोनों पॉइंट्स को यूज़ करके एक लाइन तैयार करें तो हमारे पास ऐसी एक लाइन बन रही है। तो ये लगभग अप्रोक्सीमेट रिज़ल्ट मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम एक 7 पॉइंट को और ले लेते हैं तो अब देखें, तो ये लगभग 7 पर मिल रहा है और इसको नीचे लेके आए तो ये 3। और ये थोड़ा फिगर की वजह से है क्योंकि विदाउट स्केल हम काम कर रहे हैं, तो मान के चलते हैं ये इधर 3 पर मिल रहा है और ये इधर 7 पर, ठीक है। तो अब ये देखिए कि जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर जब हम काम कर रहे हैं तो एक्स पर जहाँ मिल रहा है तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ बॉयज़ को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। और वाई पर जहाँ मिल रहा है वो क्वांटिटी एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ गर्ल्स को। तो यहाँ से जो कोऑर्डिनेट निकले उन कोऑर्डिनेट्स को हम क्या लिखें? 3, 7। तो इनके थ्रू हम अब पता कर सकते हैं देयरफॉर कि जो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं वो किसके इक्वल हैं? 3। एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो किसके इक्वल हैं? 7 के इक्वल हैं, राइट। तो इस तरह से हमने ग्राफ के थ्रू आंसर फाइंड आउट कर लिया है, सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। आप इसको ग्राफ पेपर भी प्लॉट करके देखें कि आंसर सही आ रहा है। सो उसके अकॉर्डिंग तो आंसर सही लग रहा है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। इसी तरह से हम इसका जो सेकेंड पार्ट है उसको भी ट्राई करते हैं, ठीक है।
तो सेकंड क्या है, देखिए, फाइव पेंसिल्स एंड सेवन पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। इस तरह का क्वेश्चन हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी किया था, एप्पल और ऑरेंज से रिलेटेड ऐसा कुछ था, फ्रूट से रिलेटेड, कि पर किलोज़ के अकॉर्डिंगली हमने उनको परचेज किया था, है ना। सो फाइव पेंसिल और सेवन पेन की जो कॉस्ट है वो 50 रुपये है, और अगर पेंसिल सात हो जाएं और पेन पाँच हो जाएं तो जो कॉस्ट पड़ रही है वो 46 की पड़ रही है। ओके सो बताइए कि एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट कितनी होगी। तो जो चीज़ हमें निकालनी होती है नॉर्मली वही हमें हिंट भी देता है कि हमें किस चीज़ को लेट करना है, ठीक है। तो इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हम किस चीज़ को लेट करें, लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल ठीक है रुपीज़ एक्स मान ले, एंड द कॉस्ट ऑफ वन पेन इसको रुपीज़ वाई मान लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इसका तैयार करना है। तो फर्स्ट क्या थी भाई, पांच पेंसिल और सात पेन। तो देखिए एक पेंसिल की कॉस्ट है एक्स, तो पांच पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 5x। एक पेन की कॉस्ट है वाई, तो सात पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 7y। अब ये पांच क्वांटिटी और ये सात क्वांटिटी मिलकर टोटल कितना खर्चा करवा रहे हैं हमारा, 50 रुपये का खर्चा करवा रहे हैं, है ना। अभी देखिए क्या ये और सिंप्लीफाई हो सकती है, सब में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं, तो इसी को हम वन मान लेते हैं। इसी तरह से अब सेकंड टाइम में सेवन पेंसिल्स हो गए और फाइव पेन को अगर हम एक साथ खरीदते हैं तो वो 46 रुपये जो है वो हमें पे करने पड़ रहे हैं। दैट मीन्स कि इस बार सेवन पेंसिल्स एंड फाइव पेन को टुगेदर हम परचेज करते हैं तो 46 रुपये हमें पे करने पड़ते हैं। इसको भी और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता है, तो ये बन गई अपनी सेकेंड इक्वेशन, राइट। अब ऐसा करते हैं, इन दोनों से हम टेबल तैयार करते हैं। सो फ्रॉम वन, पहली इक्वेशन से यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट कर लें। मान लीजिए मैं एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो पहले 7y उधर जाकर सब ट्रैक करेगा, फिर जो जहाँ जो 5x था वो 5x इधर आकर क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो अब एक एक करके हम यहाँ पर वाई की वैल्यूज़ रखेंगे और ऐसी वैल्यूज़ रखने की कोशिश करेंगे कि जो ऊपर रिजल्ट आए वो 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, ताकि हमें ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत ना आए। क्लियर है। सो एक तो हम 0 ही रख देते हैं, यही बेटर लग रहा है। 5 माइनस 7 टाइम ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ क्या आ रहा हमारे पास, ये तो 0 ही बन जाएगा। 50 बाय 5, 50 बाय 5 कितना हो जाएगा, 10, है ना। फिर यहाँ पर एक और वैल्यू रख लेते हैं, कोई ऐसी वैल्यू रखें कि भाई ऊपर 5 के मल्टीपल में कुछ रिजल्ट आए। तो आई थिंक वाई की जगह 5 रख लेते हैं, है ना। तो 7 मल्टीप्लाई 5, 35। अब 50 में से 35 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15, 15 को 5 से डिवाइड करें तो 3। यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो टेबल बन रही है, और टेबल क्या बनेगी, इधर बना लेते हैं, बाद में देख लेंगे टेबल्स को अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेंगे। सो देखिए फर्स्ट वन से एक्स की वैल्यू 10 और वाई 0, सेकंड वन से एक्स की वैल्यू 3 और फाइव वाई की वैल्यू 5 आ रही है, ठीक है। अब फ्रॉम टू पर काम करते हैं। फ्रॉम टू में भी, चलो फ्रॉम टू से हम वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, 46 माइनस 7x एंड डिवाइडेड बाय 5। तो अब एक्स की कोई ऐसी वैल्यूज़ हमें कंसीडर करनी पड़ेंगी ताकि जो रिज़ल्ट आए वो 5 के मल्टीपल में आए, ताकि वो 5 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर
क्या सब्सटीट्यूट करें? आई थिंक 46, 3 रख देते हैं, है ना। 3 रखने से हमारे पास 21 बनेगा, तो उससे काम चल जाएगा। सो 46, ये ट्राई एरर रूल आपको करने ही पड़ेंगे, और कोई ऑप्शन है नहीं। सो 46 माइनस 26, आई थिंक 25, 25 को 5 डिवाइड कर सकता है बड़े आराम से, राइट। ठीक है, सो नेक्स्ट कुछ सोचते हैं। आई थिंक 8 ही रख लेते हैं, और कोई ऑप्शन लग नहीं रहा। या नेगेटिव में रखें, नेगेटिव में फिर -2 रखना पड़े। चलिए ज़्यादा बड़ी, वैसे एक्स की वैल्यू 10 तक तो हम जा ही रहे हैं, तो 8 तक जाने में फिर क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, यही कर लेते हैं। 46 माइनस 7 टाइम ऑफ 8 कितना आ गया? 46 माइनस 56 यानी कि माइनस का 10, तो डिवाइड करके क्या जाएगा? -2 आ जाएगा, है ना। सो यहाँ से क्या टेबल बन रही है, उस टेबल को इसके नीचे बना लेते हैं, इधर बना लेते हैं, ताकि पिछली बार जो दिक्कत आई थी वैसी दिक्कत ना आए हमें। एक्स एंड वाई, ओके, फर्स्ट वन से एक्स की वैल्यू 3 एंड वाई 5, एंड सेकेंड वन से एक्स की वैल्यू 8 और वाई माइनस में। ठीक है, दैट मीन्स कि अब हमें एक्स के मैक्सिमम 2-10 तक जाना है, और वाई का मैक्सिमम 5 लेकिन मिनिमम -3 तक जाना है। ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं, 2-2 एक्स पर हम 2 यूनिट पर बॉक्स कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, हाँ ठीक रहेगा ये। और इस पर भी ऐसा ही कर लेते हैं, वाई एक्सिस पर भी। ठीक है, सो यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, -2, -4। अब जैसे हमें -3 पर काम करना है, -3 यहाँ कहीं आ जाएगा, है ना। अप्रॉक्सीमेट तो हम कंसीडर कर, हालांकि यहाँ हमारे पास बिल्कुल छोटे छोटे और इसके 10 पार्टीशन जो है वो नहीं दे रखे हैं, लेकिन आप जब एक्चुअल ग्राफ यूज़ करोगे तो उसमें एग्जैक्ट वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट को लेके चलते हैं, 10 0। सो 10 0 को लेके चलते हैं, तो 10 एक्स की तरफ 10 एंड देन वाई की तरफ कोई मूवमेंट हमें नहीं करनी है, दैट मीन्स कि हम यहीं रह गए। देन 3 5, सो पहले एक्स की तरफ 3 चलते हैं एंड देन वाई की तरफ 5 चलते हैं, तो दैट मीन्स यहाँ कहीं अंदाजन जो है हम आ जाएंगे, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को ज्वाइन कर दें। चलिए पहले ज्वाइन कर देते हैं, आई थिंक ऐसे चली जाए, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, हाँ कुछ ज़्यादा ही हो गई है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे कंसीडर कर लेते हैं, विदाउट स्केल यही थोड़ी दिक्कत रहती है। सो 3 5 नेक्स्ट पे काम करते हैं, 3 एंड देन 5, फिर से यही पॉइंट आ गया। ठीक है, ओ दैट मीन्स देखिए ये दोनों में कॉमन है, पहले ध्यान नहीं दिया था, 3 5 ये पॉइंट दोनों में कॉमन आ रहा है। देन 8 -3, सो पहले 8 देन -3, यहाँ कहीं एक पॉइंट आ रहा है, सो इसको कंसिडर करते हैं। अब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, तो वैसे हमें आंसर दे तो देखिए ऑटोमेटिकली टेबल से ही मिल गया है, 3 एंड 5, है ना।
एक जगह, तो दोनों जो है वो कहाँ मिल रहे हैं, 3, 5 पर मिल रहे हैं। ये कोऑर्डिनेट क्या है, 8-3 है, ये है 10, 0, ये एक्स एक्सिस अपना, ये वाई एक्सिस, और ये नीचे वाई नेगेटिव है। गॉट इट। तो स्केल वगैरह सारी चीज़ें आप ज़रूर मेंशन करें, भाई स्केल में हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस के लिए 1 बॉक्स कितना कंसीडर किया, 2 यूनिट है ना, और वाई एक्सिस के लिए 1 बॉक्स, उसके लिए भी हमने 2 यूनिट ही कंसीडर किया है। ठीक है, सो देयरफॉर अब आप फाइनल डिसीजन जो है वो बता सकते हैं, हमने क्या लेट किया था, एक्स को लेट किया था कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और वाई को कॉस्ट ऑफ 1 पेन को, तो यहाँ मेंशन कर देते हैं, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितना हो जाएगा, ₹3 एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन ये कितना हो गया, ₹5। यहाँ से ही हमें पता चला है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो, और अगर आपको ये अच्छा लगा है कंटेंट तो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।